हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। होप यू ऑल आर गुड। फ्रेंड बज चुके हैं सुबह के 11 और मम्मी भी हो रखे हैं रेडी रामनगर मार्केट जाने के लिए। तो आज तो मौसम भी ठीक हो गया है वैसे, क्योंकि कल रात को मौसम थोड़ा खराब हुआ था, बारिश वगैरह हो रही थी, लेकिन थोड़ा ठंडक तो पड़ रखा है। लेकिन यही है कि दोपहर तक देखना फिर से धूप निकल जाएगी, इसीलिए हम मम्मी से कह रहे हैं कि टाइम से मार्केट जा करके अपना काम निपटा ले। बट जब मार्केट जल्दी खुलती ही नहीं है तो जल्दी जा करके करेंगे भी किया, इसीलिए मम्मी थोड़ा आराम से ही जाएंगे। फाइनली रेडी होकर के आ गए हैं मम्मी भी बाहर, देखो कैसे धूप निकल आई है। तो जा रहे हैं मम्मी भी मार्केट रामनगर, और यहाँ का मौसम ऐसा हो गया सुबह से थोड़ा बारिश बारिश जैसा था। बाहर तो बहुत तेज की धूप आ चुकी है, जबकि मॉर्निंग में लगा नहीं था मौसम को देख करके कि इतनी तेज धूप आएगी, क्योंकि बारिश का मौसम बना हुआ था। तो फिलहाल तो बहुत तेज की धूप आ रखी है, और बिजलू भी पता नहीं कहाँ है। कल रात को भी नहीं आया बिजलू, उस समय चला गया था, उसके बाद से आया ही नहीं, जबकि मौसम इतना खराब था रात को। फिर भी सो फ्रेंड्स, अभी इन फूलों का सीजन भी आ गया है, क्योंकि ये धूप के साथ खिलते हैं। ये कितने प्यारे लग रहे हैं येलो कलर के फ्लावर्स। और अंदर पे चल रही है मौसी की पैकिंग, बिकॉज मौसी जी भी जाने वाले हैं कल अपने घर बगड़ी चौकटिया से आगे। हो गई मौसी तैयारी, बस जाने की देरी है। सो फ्रेंड्स, इस समय बजने वाले हैं 2, और मम्मी भी पहुंच गए हैं मार्केट से, और भैया लोग भी आ गए हैं हल्द्वानी से। आधा घंटा हो गया भैया लोगों को आए हुए। मम्मी रामनगर गए थे और ये है जय आते ही। नौकरी कर रहा है, देश का वीर जवान लड़ रहा है। और चीयर अप करो, मोबाइल पे युद्ध चल रहा है। मम्मी गए थे रामनगर मार्केट ये परात लेने के लिए। सो फ्रेंड्स, मम्मी लेकर आए थे रामनगर से ये वाली परात और ये वाला लोटा, क्योंकि मम्मी लोग कल जा रहे हैं पहाड़ अनीशा की शादी में, तो ये गिफ्ट है। इसको ये लोग इस तरीके से रैप करके ले जा रहे हैं न्यूज़पेपर से। ये हम पहाड़ियों का सबसे फेमस गिफ्ट होता है। ये भाई लोग पहुंच गए। वैसे भाई पूरा कल लोग कराए तो पूरा सनबर्न हो गए, और पहुंच गए हैं भाभी जी भी। हेलो, कैसा रहा सफर? बहुत कष्टदायक, बहुत कष्टदायक सफर रहा। बल ये देखो, चाचा लगता नेपाल में बहुत घुमा। दोनों भाभियों का भरत मिलाप हो रहा है। सो फ्रेंड्स, बिजलू भी आ गया है, एक एक करके सब आ रहे हैं। सबसे पहले भैया लोग आए, फिर भाई आया, और मार्केट से मम्मी आई, और अब बिजलू भी आ गया। लेकिन ये नमकीन नहीं खा रहा। ये बहुत गर्म हो रहा है ना, इसीलिए नहीं खा रहा, अभी थोड़ा देर रेस्ट करेगा। सो फ्रेंड्स, इस समय बजने वाले हैं शाम के 7, और अभी मैं हूँ घर के बाहर, और मौसी भी है यहाँ पे। ये देखो जिया के साथ कौन है, ये देखो दादी। ये दादी से मिलने आया है, ये तो दादी को देख करके सीधे सीधे जाने की सोच रहा है। ये देखा फूल, वो भी गिर गया। ओ देखो चला गया, मूडी है, मूडी बच्चा। वो देखो देखो दौड़ लगा दी, वहाँ भी वो फूल के वहाँ पर पारिजात के पेड़ के नीचे खड़ा हो गया। हाँ ये देखो कितना क्यूट लग रहा है।
सो फ्रेंड्स यहाँ पर से हम लोग लेंगे अभी केक और कोल्ड ड्रिंक। सो फ्रेंड्स इस समय बज चुके हैं 7 और हम लोग भी आ गए हैं केक लेकर और यहाँ पर भाभी बना रहे हैं रोटी और भाई तो पूरे तरीके से सहयोग देने के लिए खड़े हैं। मैंने तो इसको बताते रहता हूँ कि ये रोटी तवे की जगह इसमें डाल दे क्योंकि वो जैसे कि कभी बनाया ही नहीं होगा। वाह नया नया किचन में बना रही कंफ्यूज हो गई तो ये देखो भाभी का साथ देने के लिए सबके सब किचन में ही आ गए हैं। सो फ्रेंड्स डिनर हम लोगों का हो चुका है रेडी बट सबसे पहले हम लोग कर लेते हैं मैरिज एनिवर्सरी सेलिब्रेशन। तो यहाँ पर आ गया है केक और अब बुलाते हैं सभी फैमिली मेंबर्स को और करते हैं सेलिब्रेशन स्टार्ट। पर भैया और भाभी की वेडिंग एनिवर्सरी की तैयारी चल रही है और बस हम लोग यहाँ पर अपने फैमिली मेंबर्स है और साथ में मिल करके करेंगे हम लोग यहाँ पर भैया और भाभी की वेडिंग एनिवर्सरी का सेलिब्रेशन। तो फ्रेंड्स यहाँ पर केक वगैरह भी लेकर आ गए हम लोग और शुरुआत करते हैं अभी केक को कटिंग करने की। ये देखो आइस ग्लेशियर पे आ गए हम। तो फ्रेंड्स हो चुकी है शुरुआत और सबसे पहले जलाते हैं कैंडल और ये जला दिया भाई ने। Happy wedding anniversary to Bhaiya and Bhabhi. Happy anniversary. Happy 20th anniversary. ये रहा celebration. चलो कोई बात नहीं थोड़ी देर बाद सही है हमारा नपुआ। वीडियो आ रही है बुआ नहीं आ पाई वीडियो में। बहुत सुनामी लोग आए। तुम मम्मी केक खिलाना सीख रहे हैं। अब मैं खिलाऊंगा तुम मम्मी। आ गई है जय की बारी। हैप्पी एनिवर्सरी। हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी। थैंक यू। अब मम्मी को केक तो अभी खा जाएंगे पूरा। हैप्पी बर्थडे। भैया को एनिवर्सरी और भाभी को बर्थडे। बर्थडे चलो इसी में से दोनों को डालो। देखो इधर भाभी मम्मी से पूछ रहे खिलाऊं परमिशन ली जा रही है भाई पहले। कौन लोग ना भाई को नसीहत दी जा रही है कि अपना पेट अंदर कर ले। सो फ्रेंड्स केक कटिंग हो चुकी है और अब यहाँ पर तैयारी चल रही है डिस्ट्रीब्यूशन की। हम खा रहे हैं केक समोसे और पी रहे हैं फेंटा। छोटी सी पार्टी में आ गया बहुत आनंद ही आनंद। मिलाप समारोह हो। आनंद तो कल आएगा जब मुन्ना बुआ हमारे साथ आएंगे। सो फ्रेंड्स एनिवर्सरी सेलिब्रेशन भी हो चुका है और अब भाई और भाभी लेकर आ रखे हैं नेपाल से रुद्राक्ष। भाई और भाभी गए थे नेपाल घूमने के लिए तो वहां से लेकर के आ रखे हैं रुद्राक्ष। ये एकदम ओरिजिनल वाले रुद्राक्ष हैं पशुपति मंदिर से लेकर आ रखे हैं। ये तेरे लिए शुद्ध करके लाए हम।
पशुपति मंदिर के शिव जी के दूध को क्या कहते हैं दूध रखा रहता है उसमें डुबा के लाए हैं। पशुपति मंदिर से लेकर आ रखे हैं भाई लोग नेपाल के पशुपति मंदिर से। अरे तुम नेपाल से खड़े हो ये देखो नेपाल से रुद्राक्ष के साथ साथ आ रखा है ये कीड़ा नेपाली कीड़ा नेपाल क्या करेंगे पता नहीं। ये हाथ के लिए होगा एक एक धागा के गले के लिए इसमें ये क्या है ये तो चलाने के लिए मंदिर में ये फ्लावर थे इसमें इस कीड़े को पकड़ के बाहर रख दो ये कोई आप करोगे ये काम ये इसको गले में डाल दे। सो फ्रेंड्स ये वाला रुद्राक्ष आया है जय के लिए काफी टाइम से जय सबसे रुद्राक्ष मंगा रहा था तो फाइनली भाई नेपाल के पशुपति मंदिर से एकदम ओरिजिनल वाला रुद्राक्ष ले आया है जय के लिए और जय ने लगा भी लिया है गले में। ये मंदिर में रखते हैं। तो फ्रेंड्स सिंदूर के अंदर से एक माला भी मिली है और ये मालूम चल गया हम लोगों को ये हाथ में बांधने के लिए है इसे तू गले में पहन सकता है ऑलरेडी पूजा पाठ करवा के लेकर आ रखे हैं। इसको लग रहा है ये रुद्राक्ष पहने तो इसके कुछ नियम धर्म भी होंगे कोई नियम धर्म नहीं है वो तब होता है जब कोई पंडित धारण करता है। सो फ्रेंड्स मैरिज एनिवर्सरी सेलिब्रेशन भी हो चुका है और नेपाल से भाई लोग जो रुद्राक्ष लेकर आ रखे थे जय के लिए वो जय ने पहन भी लिया है गले में तो अब इसी के साथ मैं भी करूंगी अपना आज का ब्लॉग हिब्री क्लोज। तो फ्रेंड्स उम्मीद है आप लोगों को मेरे ब्लॉग्स एंड शॉर्ट्स पसंद आ रहे होंगे तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे ब्लॉग्स एंड शॉर्ट्स को लाइक कीजिए शेयर कीजिए कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स मेरे ब्लॉग्स रोज शाम को 7:30 पे आएंगे तो कीप वॉचिंग मिलते हैं बहुत जल्द कल एक नए ब्लॉग के साथ तब तक गुड नाइट टेक केयर बाय 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 बाय।